और उस योजना को अब हम लोग मुस्तैदी से करेंगे। पहले जो हल्का फल्का शिकायत आया करता था, जो पंचायती राज के द्वारा किया गया था, उसी को अब दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह फुल फ्लेजेज हम लोग को मिल गया है। फंड भी अलॉट हो गया है जो तीन साल के अंदर मिलेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुँचे, वो हम लोग अविलंब पहुंचा पाएंगे। उस पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70,157 जलापूर्ति योजनाओं के 5 वर्षों तक संचालन, मरम्मति और संपोषण हेतु 3,611 करोड़ की योजना और साथ ही मार्गदर्शक दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई है। इसको लेकर नीरज कुमार बबलू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो पहले काम हुआ था उस काम को अब हम लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें लगभग 70,157 जलापूर्ति योजना है और इसके लिए हम लोगों को लगभग 3,611.45 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है। और उस योजना को अब हम लोग मुस्तैदी से करेंगे। पहले जो हल्का फल्का शिकायत आया करता था, जो पंचायती राज के द्वारा किया गया था, उसी को अब दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह फुल फ्लेजेज हम लोगों को मिल गया है और फंड भी अलॉट हो गया है जो तीन साल के अंदर मिलेगा। वो अलग से आंकड़ा है, हम आपको लिखित में दे देंगे। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि अब जो नल जल की शिकायत है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो हम लोग अविलंब पहुंचा पाएंगे। उस काम को हम लोग अविलंब दुरुस्त कर पाएंगे और मुझे लगता है कि 6 महीना के अंदर हम लोग सारा काम शुरू करा देंगे। 6 महीने में लोगों को पानी मिलने लगेगा। अविलंब हम लोग इसको निविदा का प्रक्रिया करने जा रहे हैं। एस्टिमेट बनेगा, निविदा का प्रक्रिया हो जाएगा और उसके बाद हमारे सेक्रेटरी सर, और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है हम लोग इसको काम शुरू करा करके हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में पानी पहुंचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इसके साथ एक और है, जो पहले मिनी जलापूर्ति योजना हुआ करता था, जो सोलर सिस्टम से चलता था और कहीं कहीं बिजली से भी चलता था, तो उसमें भी गड़बड़ी आ गई। उसका मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो गया है, उसको भी नए सिरे से हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं। उसको जो माइनर रिपेयर है उसका माइनर रिपेयर करके और उस योजना को भी हम लोग पूरी तरह 100% चालू करने वाले हैं। उसको भी चालू करके और जहां पानी मुहैया करने की आवश्यकता है हम लोग वहां पानी मुहैया कराएंगे। कहीं कोई कठिनाई अब नहीं रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है। विभाग के लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि 6 महीने 8 महीने में हर जगह पानी हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। गांव के कुछ वार्ड में अभी तक कनेक्शन नहीं पहुंचा, उसका मैंने बताया आपको कि जो काम अभी तक छूटा है, जो काम नहीं हुआ है, उसका भी टेंडर में चला गया है। टेंडर में डे बाय डे जा रहा है। आप देखे हुएगा पिछले दिनों हम लोगों ने एक बार में 800 कुछ करोड़ का टेंडर रद्द किया, फिर 3600 करोड़ का टेंडर रद्द किया, तो वो सारा टेंडर प्रोसेस में है। 800 कुछ करोड़ का निकल चुका है, बाकी भी टेंडर में जा रहा है, कुछ और चला जाएगा। तो अविलंब जो भी छूटे हुए जगह है, तमाम छूटे हुए जगह को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, सबका टेंडर में जा रहा है। जैसे ही टेंडर का प्रक्रिया फाइनल होगा काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले गर्मी में, जब अब तो गर्मी निकल रहा है, जब अगले गर्मी में जब पानी की क्राइसिस होगी, मुझे लगता है कि हर टोले मोहल्ले में पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी। सर, बहुत से जगह पे जो गांव में है मोटर जल जाता है, महीना महीना दिन रिपेयर नहीं होता है, गांव के लोगों से 30 रुपया प्रधान जो है वहाँ के चार्ज करते हैं, गांव के लोग देना नहीं चाहते, तो क्या मोटर जल जाएगा, ऐसी कुछ होगी तो हम लोग सारे सिस्टम को अपडेट करने जा रहे हैं। जैसे मोटर जलेगा, जहाँ भी कोई गड़बड़ी होगी, अविलंब हम लोगों को सूचना मिलेगा और सूचना मिलते ही हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर हर हाल में हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। और एक उसमें कार्य योजना बनाया गया है कि स्पेयर मोटर का है ना, इसमें हम लोग जहां भी हमारा लगा हुआ संयंत्र, वहां हम लोग मोटर जलने की जो शिकायत है उसके दृष्टिकोण से स्पेयर मोटर वहां रखवाने जा रहे हैं। जैसे ही जलेगा तो दूसरा मोटर वहां स्पेयर रहेगा, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, फिर पहले वाले का रिपेयर करके उसको भी फिर वहां एक एडिशनल स्पेयर रखा रहेगा, ताकि अविलंब हम लोग बदल दे, पानी का समस्या ना हो। और कई जगह नए हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग इसको ऑटोमेटिक सिस्टम भी करने जा रहे हैं कि पानी अपने जाए। लाइन कटने की समस्या को दूर करते हुए हम लोग सोलर सिस्टम भी लगाने जाएंगे। आगे हम लोग जो पंचायती राज से आया है उसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग सोलर सिस्टम लगा दें। सोलर लग जाएगा तो ये लाइन कटने का, ट्रांसफार्मर जलने का, तार टूटने का ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि हम लोग सोलर सिस्टम को बढ़ावा दें, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोलर का भी हम लोग उपयोग करेंगे।